दोस्तों, मैं वहाँ से बजा रहा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल था तो देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है हमारा ओपीडी कनेक्टर सारा कुछ है, इसके अंदर V311 है और इसके अंदर मल्टीमीटर भी है, सारा कुछ है। तो दोस्तों, ये गाड़ी जो किसी गैरेज में फंसा हुआ है एक हफ्ता से, मैकेनिक परेशान है और अगला ने कॉल किया था किसी पार्ट्स वाले से, नंबर हमारा लेके उसने कॉल किया था कि इस तरह का प्रॉब्लम में फंस गया है। तो उसका जो है एक्टिवा 6G है, BS6 वाला वर्जन है और वो काफ़ी दिन से परेशान है, हफ्ता 15 दिन हो गया उसका गाड़ी गैरेज के अंदर है, अब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगला ने फ़ोन किया था और हम जा रहे हैं सारा तैयारी के साथ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सारा कुछ है इसके अंदर और ये हमारा है 180 देख पा रहे हैं। तो ये हमारा साथ ऑटो चैनल का भी नाम उसमें दिया गया है, ये हमारा खुद का गाड़ी है और कहीं लंबा जाना रहता है तो इसी को हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, फटाफट यहाँ से निकलते हैं हम, ये सारा कुछ वहाँ जाने के बाद जो है वीडियो को हम शूट करेंगे और वीडियो में नए होंगे वीडियो के एंड तक देखिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से आप चलते हैं और वहाँ जाने के बाद आपको बता देंगे चल रहे हैं। तो यहाँ से हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चलेंगे और देखो यहाँ से 30 किलोमीटर का फासला है, तो वहाँ पर जाके हम आपको शूट करके बताएंगे। यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ जाता है तो वीडियो में नहीं, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों, यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे आपको, पहले इसको करने से पहले यहाँ पर बता दें प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। चाबी कौन कर रहे हैं, हमारा मीटर ऑन हो रहा है, चेक इंजन लाइट भी आ रहा है। यहाँ पर जो है हमारा सेल्फ वर्क नहीं कर रहा है, सेल्फ वर्क नहीं कर रहा है, हमारा हॉर्न जो है ये भी वर्क नहीं कर रहा है, इंडिकेटर सारा कुछ वर्क कर रहा है, सेल्फ हॉर्न और जो हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रहा, फुल मोटर भी हमारा चल नहीं पा रहा है, इसमें इस तरह का प्रॉब्लम है। यहाँ पर V311 हम लाए हैं, इसको कनेक्ट करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर सारा कुछ हम लाए बताएंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और ये है हमारा ओपीडी कनेक्टर, इसको भी यहाँ पर चाबी को ऑफ कर देते हैं और इस तरह से लगा देंगे इसे और यहाँ पर चाबी को ऑन करेंगे, यहाँ पर ऑन कर चुके हैं और यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें हम इंटर करेंगे इसको इस तरह से, थोड़ा सा टाइम लेगा जो भी है यहाँ पर डिटेल में बताएं, फिर वापस इंटर करेंगे इसको। तो यहाँ पर देख पा रहा होगा रेड कोर्स लिख के आ रहा है, इसी में हमको इंटर करना है वापस। तो यहाँ पर हम फॉल्ट देखेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं करेंट DTC है तो इसी में हम चेक करेंगे इस तरह के अंदर है। यहाँ पर देख पा रहे हैं चार प्रॉब्लम बता रहा है, यहाँ पर हम सारा बताएंगे। T0201 है पहला प्रॉब्लम है, ये दूसरा में हम आएँगे यहाँ पर बता दें, T0351 ये दूसरा है, तीसरा में हम आएँगे यहाँ पर देख पा रहे हैं T0443 देख पा रहा होगा, चौथा में आएंगे हम T0511। तो यहाँ पर आइडल एयर क्लियरेंस मतलब जो भी है प्रॉब्लम सारा लिख के यहाँ पर आता है। तो दोस्तों, ये जो है जो कुछ भी ओपन किए हैं इसके अंदर वो सारा कुछ इसमें क्लियर कर रहा है बता रहा है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है जो जो दिक्कत बता रहा है वो सारा कुछ हम इसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पर चाबी को ऑफ कर लेंगे, ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ये आइडल है हमारा, इस जगह पर दिक्कत बता रहा है, ये जगह पे जो है हमारा प्रॉब्लम बता रहा है। तो यहाँ पर जो है इस कपलर को हम निकाल लेंगे, यहाँ पर इस तरह से लॉक रहता है, यहाँ दबा के इस तरह से आसानी के साथ ये निकल जाता है, तो यहाँ पर इसको हम निकाल लें। ये हमारा आइडल का है जो यही काम करता है, 2-3 इसमें सेंसर लगा रहता है। यहाँ पर जो है इस कपलर को हम निकाल लिए, पहला कपलर ये हमारा निकल चुका है, पर ये कपलर को हम निकाल चुके हैं और ये सर बताएँ दूसरा प्रॉब्लम भी बता रहा है यहाँ पर, ये जो हमारा लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें जो है हमारा चारकोल कनेक्टर से अटैच रहता है और बेस में काम करता है। तो यहाँ पर जो है इसको स्क्रू ड्राइवर का मदद से हम ओपन करेंगे और सारा कुछ लाइव बताएंगे, ऊपर जो इसको ओपन करेंगे स्क्रू ड्राइवर का मदद से और सारा कुछ आपको लाइव बताएंगे। यहाँ पर भी हम बता सकते हैं पर बाहर करके आपको दिखाएंगे, यहाँ प्रॉब्लम जो है समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरा स्क्रू ओपन कर लेंगे इस तरह।
ये हमारा ओपन हो चुका है और ये जो हमारा चार्को का लेटर से अटैच रहता है, यहाँ पर दिखा दीजिए हमारा कपलर है, इसको निकाल जो है यहाँ दबा लेंगे और इसको थोड़ा सा हिला के निकाल लेंगे। यहाँ जो हमारा निकल चुका है प्रॉपर तरह से और इसको जो है थोड़ा सा हवा मारेंगे इसमें और उसके बाद जो इसको वापस लगाएंगे और सारा कुछ हम लाइव बताएंगे। तो यहाँ पर जो है हवा हम इसमें मारेंगे इस तरह से प्रॉपर तरह से, इसको वापस लगा देंगे। ये हमारा अटैच हो चुका है तो दोस्त यहाँ पर इसको दोनों स्क्रू को वापस टाइट कर देंगे, इस तरह से जो है खोले हैं वापस इसको लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो इसको परफेक्ट तरह से हम लगा दिए, टाइट भी कर दिए, दूसरा कपड़ा इसको भी हवा मारे यहाँ। ये हमारा हो चुका है तो वापस हम लगा देंगे इसके अंदर। तो इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा बता रहा है क्योंकि जितना भी कपलर ओपन करने के बाद जो है सारा कुछ शो करने लगता है यहाँ पर, तो हमारा जो है जो मेन प्रॉब्लम है उसमें फोकस करना है। तो यहाँ पर जो है लॉक कर चुके हैं और डायरेक्टली हम चाबी को ऑन करेंगे, इस तरह से ऑन करेंगे। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा ये नहीं करना है, डायरेक्टली DTC में जाना है यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट हमारा जो है प्रॉब्लम तक पहुँचा दें। तो यहाँ पर हम जा चुके हैं और ये थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं करंट DTC डायरेक्ट आ गया है, इसमें इंटर करेंगे यहाँ पर। तो इसमें बता रहा है अभी भी चार फोल्ट देख पा रहे होंगे, जो भी बता रहा है अभी भी उसमें ये कर रहा है, तो चारों फोल्ट जो है अभी भी शो कर रहा है इसके अंदर। तो वापस आएंगे हम एक बार इसको पूरा तरह से ये करेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर वापस इंटर करेंगे। तो यहाँ रेड कोड आ गया और ये अरेंज कोड है, आगे नीचे दिख पा रहा है, इसमें हम लेंगे इसको और इस तरह से इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो है पूरा तरह से क्लियर हो चुका है, ये मतलब फाइनल हो गया, यहाँ पर कोई काउंट नहीं बता रहा है, यहाँ पर ओके हो चुका है। यहाँ पर हम इस तरह से रख देंगे, गाड़ी को डायरेक्टली चेक करेंगे, यहाँ पर हॉर्न पहले बार करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा हॉर्न बज रहा है और यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट मार रहा है, गाड़ी स्टार्ट करने का देख पा रहे हैं स्टार्ट है, गाड़ी को ऑफ कर देते हैं, हमारा चेक इंजन लाइट भी चला गया, यहाँ से कनेक्टर को हम निकाल देते हैं और वापस एक बार बताएंगे, यहाँ जो है सारा सिस्टम हटा देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वापस हम चेक करेंगे, वापस ऑन करेंगे, चेक इंजन लाइट आ चुका है देख पा रहे हैं, वापस चला गया। तो हमारा प्रॉब्लम रहेगा गाड़ी के अंदर, चेक इंजन लाइट जो है शो करते रहेगा, कोई भी दिक्कत रहेगा गाड़ी के अंदर। तो हमारा सारा कुछ सॉल्व हो चुका है, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हॉर्न वर्क कर रहा है, ये हमारा सेल्फ है, गाड़ी देख पा रहे हैं स्टार्ट कर देता हूँ जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। दोस्तों इस तरह टेक्निकल वीडियो हम डालते रहते हैं अपने चैनल में, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आज तक के वीडियो यही करते हैं।